वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद आई हूँ रिएक्शन वीडियो लेके एल्विश की वीडियो पे। नया उनका वीडियो आया है, वेब सीरीज़ आई है, गुड़गांव वेब सीरीज़। तो आज पहला एपिसोड आ चुका है और आई नो मैं दोबारा से बहुत लेट वीडियो बना रही हूँ, बट देर आई दुरुस्त आए। फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए देन डू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ कीर्ति चंद। और एक चीज़ और बता देती हूँ कि मैंने अपना पॉडकास्ट भी स्टार्ट करा है जो मैं डालती हूँ हर संडे, और प्लीज़ आप लोग वो भी ज़रूर देखना, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स प्ले। कटारिया, ये जितनी भी जमीन तन दिख रही है यहाँ तक लेगा वहां लग किया रिश्ता पीछे वाली भी, ये सारी की सारी, सारी की हाँ 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 बेरा भाई, ये सारी जमीन थारी है। अरे यह चीज है ना, मैंने 20 में बता ली राव साहब। OMG ब्रो, इसने तेरी जमीन पे मूद दिया यार। What the fuck? अर्चित है बनाएंगे मॉल का वॉशरूम। एक बार इलेक्शन में पापा दोबारा MLA बन जान दे, फिर देख तू यार का सिस्टम। अरे एक और बात बताऊं, यहाँ बनाएंगे एक 4 मंजिली मॉल। पहली मंजिल पे होएगी थाई मसाज, दूसरी मंजिल पे होएगी बॉडी टू बॉडी, तीसरी मंजिल पे होएगी फुल सर्विस, और भाई चौथी मंजिल पे क्या होगा? चौथी मंजिल पे होगी तेरी मम्मी। अरे यार ये क्या कह रहा है यार तू यार। अरे मतलब तेरी मम्मी को ऑफिस यार, अब इतने बढ़िया बढ़िया काम संभालने के लिए एक अच्छे घर की लेडी तो होना बहुत जरूरी है। अब तेरी मम्मी तो अच्छे घर की लेडी होगी कोई बताइए। हाँ खैर ये तो सही कह रहा तू, मेरी मम्मी ना सबसे अच्छे घर से आती है। बस तो फिर तेरी मम्मी संभालेगी स्पा, श्वेता स्पा। श्वेता स्पा भाई, अब तुमने मॉल की कह ही दिए ना, तो आज रात को एक मस्ती पार्टी करा दो। और पार्टी में जाने के लिए चाहिए कपड़े भाई, उससे पहले शॉपिंग तो करा दो भाई, हमारे सारे खर्चे वैसे भी तुम ही तो उठाते हो, है ना। अरे पता है मुझे, आज शनिवार की रात है और सैटरडे नाइट मतलब सुहाग की नाइट। आज साड़ी ऐसी पार्टी कर देंगे भैरंड कति शरावत कह दिए, सब तो महंगी वाली टेबल लगा देगा और उस पर चाहिए सब तो महंगी शराब की बोतल है। मगर शराब आन लाग रही है तो छोरी छारी भी पाऊंगी ने।
लगता इश्क हो गया। ला तो फिर भाई साहब बियर में पेट नहीं भरेगा, एक काम करो विस्की और मंगा दे भाई। ओ छोरियो, अरे नीचे क्या कर रहे हो, यहाँ के पार्टी कर हमारी गैल शेरों के साथ। एक काम कर मारे ऊपर आ जा। मैंने सर के मिलोगे कुछ ऑर्डर के देगा तू, तेरी ले लेंगे देगा। मेरा वो मतलब नहीं, कुछ खाने का आइटम। अच्छा खाने का आइटम, एक काम कर तीन छोरी लेगा। अबे तीन क्यों, चार मंगाना। भाई भाई ने कही है तीन की जगह चार छोरी लेगा। कति सुतरी सुतरी सी यार, लाइन तक खड़ी कर दे टेबल के सामने। और कति झेंग की छोरी लाइयो, कदे कबाड़ा ठाला वे सुतरी सुतरी ईब गया। अब चार कति कच्ची छोरी न्यू ले आया। चलो आज का भाई छत पे कटारिया दी गई वह छोरी ने। ठालाऊं मैं कह रहा हूं, मैंने तो पहली बार देखी यार इस क्लब में। अबे तो ठालाऊं, अरे के ठालाऊं, ये कठान वाली छोरी है तो लुटाने वाली है। साले का कान पे दूंगा, के लुटाने वाली है यो तारी बाप भी है। क्लब्बा में भाभी मिलती होंगी। क्लब्बा में सब कुछ मिला है। एक काम करो इसके दौरे जाके पता कर कहो कहाँ रहती है, कब उठती है, कब सोती है, कब कुत्ता अंडाती है, घर में किसके साथ रहती है, और सबसे मेन बात क्लब में किसकी गैल आई जाओ। चलो बॉस चलो। हाँ देखते शेर निकल चुका है मिशन पे। होटल से खाएगा भी लग रहा है। इंस्पेक्टर अनूप चहल, क्या काम है हमारा? चोरी करने का। ओए रिश्वत लेने का। ओए सर क्राइम को सफाया करने का। हाँ तो करते हैं। राव साहब यह सप्ताह में तीसरो केस है तेरो, बाप के नाम की कितनी बदमाशी करेगा। एक तो ना मेरे बाप का नाम मत लेकर अपनी काली जुबान पे, ठीक है? ओए सर से ऐसे कैसे बोला? मुंह तो बोला, तू कहां से बोला? पीछा था। ये तो बिग बॉस वाले वन लाइनर है। तमीज तो पैसा अपनी औकात में रह। तू आई समझ में? तेरा काम है केस दबाने का तो केस दबा, फालतू बंडी की बकचोदी मत कर। ना मेरे फोन में जो बटन दब गया ना तो तेरा बहुत कुछ दब जाऊगा। चल साले की औकात दिखानी पड़ेगी एक दिन यार। मैडम क्या दिक्कत है, परेशानी क्या है आपको, क्यों रात को हाउल्ला करवा रखा है? है भाई सर आप हमें बोल रहे हैं, देखिए मेरे दोस्त के कितना खून निकल रहा है, जिनको बोलना चाहिए आप उनको कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैडम लड़ाई में खून ही बहेगा, दूध नहीं। अगर दूध बहता तुम पी लेते। एक बात बताओ, एक छोटे छोटे कपड़ा पहन के रात को बाहर निकल रहे हो, वो भी एक ऐसे लड़का की गैल जो भाई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, दो डुक में नीचे गिर गो।
सर हमने आपको अपनी हेल्प करने के लिए बुलाया और आप मेरे कपड़ों को देख के जज कर रहे हो मुझे, आप उनके अगेंस्ट एक्शन लीजिए ना। अच्छा तुम्हें पुलिस की सेवा चाहिए? अरे बल्कि पुलिस से तुम्हारी सेवा चाहिए। अरे मेरे कहने का मतलब है हमें और कोई काम ना आ क्या? अरे हमारे गांव में भैंस भी आई है, दो दिन हो गए वहां को दूध निकाले, अब जाके वहां को दूध निकालेंगे या तुम्हारे यहाँ निपटा में? एक काम कर या ले चल हमारी भैंस को दूध अब यूं निकाल लेगी, चल 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 उठा ले उठा उठा उठा। अरे सर आप क्या बोल रहे हैं? अरे ज्यादा बकवास मत करे, चुपचाप साफ कीजिए मैं 500 रुपए डालो निकल यहाँ से। अरे सर आपको शर्म नहीं आती? हमारी हेल्प करने के जगह हमसे ही पैसे मांग रहे हो आप। शर्म तो तुम्हें भी आनी चाहिए। एक काम कर आगे बाप के द्वारा फोन कर, कह दे 3-4 चोरी लेके घूम रहे हो, क्योंकि यू ही खेली ना 3-4 के बराबर है, है? मिला आगे बाप के द्वारा फोन। सर आप फोन मत करो, हम जा रहे हैं। चल चल निकट जाओ फटाफट, शरीफ आदमी ने परेशान मत करे करो। चला बैठ गाड़ी लाल परी है गलासी, मैं बंदूक खून की प्यासी रे। छोरी मरे देख बोले वाह वाह वाह, मेरे सारे बक कुत्ते भाव भाव भाव, हाँ मेरे प्यार में डूबगी वाइब वा डुंडा ना हो। तड़का उठ का है नुए तुम मिठाओ, गाड़ी में घूमे जाओ, शहरी या गुड़ गाओ, यम दूत छोरे बंदे दातून खाली। अरे चिलम भी मैं ही भरू के ही भे। वैसे ही बीपी आई रहे ना, सारा टाइम पर हुक्का नसीब है ना कुछ। अब सिगरेट पियो, फेफड़े फाड़ लो। कर ली मार पिटाई रात को, जहाँ लड़के आया है ना सब पता चल गई है मुझे। उसने बताई होगी रविंदर ने, साला ठुल्ला। मम्मी मैं बता रहा हूँ किस दिन देंगे उसके गड़ाई गड़। हद में रह ले, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। उस छोरे को कितनी लग गई है जहाँ तू उसे मार के आया है। फिर लगी तो लगी, लगती रहे छोटी मोटी लड़ाई में। सुकर मान मैंने उसका सिर ना फाड़ा ढंगता है न बना देता। बेटा इतना घमंड ठीक नहीं है, तुझे पता है तेरे पापा ने कितनी मेहनत से ये इज्जत कमाई है, और फिर इलेक्शन भी आने वाले हैं। अगर ये बात घर से बाहर चली गई तो पता है कितना नुकसान होगा। अरे ठीक है ना मम्मी, सुबह सुबह लेक्चर मत दे वे, समझ गया मैं। ठीक है तू नहीं सुधरेगा। क्या करूं यार वो लड़की, सॉरी मांग लूंगा उससे। बहुत बढ़िया भाई, वाह भाई वाह भाई वाह। अब हमारे ग्रेट एमएलए जी का लड़का उस टुच्ची सी छोरी के आगे जाके सॉरी मांगेगा। टुच्ची तो मत क्या हो भाई। तो क्या भाई, क्लब में नाचने वाली नचनी है या फिर वो जिसका रेट कार्ड आवे, फोटो आवे, एमएमएस आवे भाई, गंदे गंदे 699 वाले 300 वाले छी। साढ़े तीनों के कनपट्टी में थप्पड़ मारूंगा। दुनिया जान के बारे में कुछ भी बोल लो, पर छोरी के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। दिखा दी औकात, दिखा दी। ठीक है भाई ठीक है, एक काम कर तू जा भाई उसको सॉरी मांगण, और मार ली गए ना उसके जाके तले वे चाट। हट जाओ हट जाओ हट जाओ, ब्लड साहब जाऊंगा उसके तलवे चाट खाऊंगा। जाओ भाई जाओ। यो तो सच में चला गा, अब चलना है। तुम्हारे बाप दादा ने चलाया कभी? पीछे तो पीछे मत चलाओ। अरे पीछे वाले यार पीछे चल। अबे मेरे को बीच में बिठा लो, बीच रुक बैठ ले, बीच के बीच में बैठ। क्या चुक रहा है? पीछे का बीच का। अबे पर एक्टिव में तो गियर ही नहीं होता। जाना मिलने तो आना, बस मैं और तू ही और कोई होगा ना।
तेरे लिए आया मैं सब कुछ छोड़ के, वक्त नजाया कर तू बोल के ऐसे लगा लेना। सॉरी बोलूं या ना बोलूं? सॉरी तो है, जाके नहीं तो कहनी है यार आई एम सॉरी। ये तो फॉर्मल हो जाएगा घना, या फिर नु कह दू जाके कि यार जो कल कुछ हुआ भूल जाने, फिर सोचे कि बदमाशी कर रहा फेरता है, क्या करे है? तुम फिर आ गए? फिर कहा हूं मैं, तो अभी आऊं यार। बोलो। मैं क्या कह रहा था कि यार एक्चुअली वो क्या है ना, एल्विस बोल देना सॉरी, क्या बात होगी यार, सॉरी तो है यार। मैं क्या कह रहा था कि वो जो कल रात को जो भी हुआ ना, उसके लिए हम बहन थी। कौन था? I'm sorry, I'm really, really sorry. तुम देख नहीं सकते कौन खड़ा है सामने? प्यार से भी तो बात हो सकती ना, प्लीज इसे हटा लो। We are very, very sorry. Please, मैं माफ कर दो, प्लीज। इसका ना हिसाब ना देना रहा मैंने। ट्रिगर दबेगा यहाँ और चिल्ली मारेंगे तेरे घर वाले। प्लीज माफ कर दो भाई, गलती हो गई। आप ऐसा करो ना, आप भी मार लो, ऐसे करके मार लो, आप जितना चाहो उतना मार लो, बस इसको थोड़ा दूर रखो। मैं जानता नहीं था आपको, हम शरीफ घर से है भाई। तो हम बदमाश घर के हैं। नहीं नहीं भैया, आप भी शरीफ घर से हो। मैं बता रहा हूँ हम बदमाश करते हैं। नहीं, नहीं, आप कहाँ बदमाश घर के, आप तो इतने स्वीट लग रहे हो, आप तो बहुत अच्छे इंसान हो। प्लीज तुम्हें छोड़ यहाँ में पिघल गया। कुछ तो बोलेंगे लो। अरे के है अथू थू, व्हाट द फक भाई, ये क्या देख लिया मैंने? मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई? अपने भाई को पिटता हुआ देख लिया। छोरी के पीछे तू थप्पड़ खा का आगा। अरे छोरी ना है वो, नचनी आया है। तेरे तो पहले भी समझाई थी ना छोरी के बारे में कुछ नहीं। हाथ चल सके तेरे, वहां तो तेरा मुंह तो लिगड़ लिया भाई। असली बाप का होता ना, असली बाप का होता तो छह की छह गोली उसकी छाती में टांग का आता। कल ने कहीं पता लग गई ना कि ओमपाल का छोरा मार्केट में पिटता डोल रहा, तो बेटा तेरी इज्जत तो गई है गई, तेरे बाप की भी गई। जोर ले रहा है ना, तो यही फैसला होगा, आज ही फैसला होगा। ले रहा है जोर? ले रहा है जोर? अरे इसमें आ जोर ले रहा है, बदला लेगा, जा लेगा, बदला जाएगा, जा जा करेगा। बता बता जल्दी बोल। हाथ में दे देगा छोरा यो, मथे पे टिक्का पप्पे का बांध के हाथ में डोरा यो, छोरा यो कदी टोर में चल है साले तेरा मोर बना दे, वह तेरा पैर पड़ा मेरे गुड़गा मिन्ना गोज में गल है। ये चुड़ी बदमाशी मैं बंद मैर लिए है अठासी रे, लाल परी है गलासी मैं बंदूक खून की प्यासी रे। छोरी मैंने देख बोले वाह वाह वाह, मेरी साले भुख कुत्ते भा भा भा, हाँ मेरे प्यार में डूबगी वाइब वा ढूंढा ना हो तड़का। अरे चुप हो जाने, कितनी देर होगी तेरा रीखते रीखते अभी बनाऊंगा तने। गलती का तेरी गलती गुलती सारी निकालूंगा अभी। ठीक है ठीक है, की आंख तेरी है? नहीं अरे बाहर निकल, नहीं आ बनाओ अभी निकल बाहर। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज ना छोड़ दे, तन्ना छोड़ दूं कहीं का भी नहीं। अरे चल तेरी बहन की अंदर चल। Ha ha ha!
चार पांच घंटे अंदर पड़ी रहेगी ना, तब इसने बेरा पाटेगा, इसके रैपर टिकवाया। बेटे सुन, अब तक तो मेरा पार्ट की होगी ना रैपटे का नतीजा, जो तूने थप्पड़ पड़वाया था उसका नतीजा, और जिसका तूने रैपटा पड़वाया था ना उसके आगे पाचे 36 छोरी डोले हैं किमे करती, और जितनी तेरी उम्र है ना बेटे उतने तो यार जी पे केस चल रहे हैं। इसने तो पड़ी रहने दो, मगा के खाओगे? अरे यार खाने की मत पूछा कर यार, पीने की पूछा कर। बियर विस्की रम या फिर गम। बढ़िया सेवा करता हूँ तुम्हारी, आ जाओ। ए प्लीज इनका बजा मत ना दिए, डिस्टर्ब होते हैं हम। आ जाओ तू बैठ गया। टू आवर्स लेटर मर तो नहीं गई कहीं? ओ हेलो मीगो, ओ ठीक है क्या? रोटी खाएगी? चटोरी सैंडविच खाएगी? चटोर मुंह लग रहे। हेलो जाग रही है? शिट मुझे लग रहा मर गई। उठ टपक दे। मैं क्या सोच रहा हूँ, इस घर में जितने कमरे ना यहाँ से लेके पूरे पीछे तक, इनमें ना एक एक लेडीज को बंद कर देते हैं, साड़ी ईगो तो सेटिस्फाई हो। एल्विश भाई मैं क्या कह रहा था भाई, 2 घंटे हो गए बेचारी को बाहर निकाल देते हैं भाई, आपको पता नहीं अंदर कैसे कैसे जानवर है, छिपकली तेंदुए कीड़े मकोड़े। ओ माय गॉड, कीड़े मकोड़े छिपकली भी अंदर? तेंदुए तो बांध रखे थे भाई, आपको पता नहीं है छिपकली कितनी डेंजरस होती है और लड़कियों को भाई कितना ज्यादा डर लगता है। भाई एक दिन मैं अंदर हग्गा मार रहा था भाई, छिपकली आके मैं 7 तल पे गिर गई भाई, मेरे तो वापस चली गई। कौन छिपकली? अरे नहीं यार टट्टी। अरे निकाल दो बाहर। किसने? टट्टी ने? अरे छोरी ने निकाल दो भाई, बेचारी अंदर बेचारी का गैस बन गई, लैटरिंग में ना अंदर तो छेड़ देगी अंदर ही। वैसे तो ना 4-5 घंटे और घेर के रखनी थी, अकल तो जब ही आती, पर तुमने इतनी बड़ी अप्रोच लगा दी है तो निकालनी पड़ेगी ना। आओ चले यार एक बार, ये ना देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। ये देखो क्या बोल रहे बैठी है। हेलो ओ मैम साहब। चले खड़ी हो, बहुत देर हो गई, तेरा टाइम पूरा हो गया, निकल यहां से। चल जगह दो भाई, मैडम बोलेगा तो निकल निकल। या तो सो गई लगे। अबे ऐसे कैसे सो गई, यहाँ तो इतनी सारी छिपकली हैं, वंडर वूमन लगा है तू। अरे मैं भी तो सोता हूँ डेली, छिपकली की है। तू सोवे अपनी मम्मी के, और बार बार मत बताया कर मुझे, आई गेट जेलस। अरे कैसे अंदर ही अंदर हंस रही हमारे जो कोप है, ढंग तो हंस ले बाहर निकल के। अरे एक्टिंग मत कर, बाहर निकल चल। कटारे देख लिए भाई, सुथरी तो है भाई। अरे नू नहीं देखनी, नू देख उठ क्यों ना रही। ओए ओ भैया तो गिर गई। ले बेटे अलीस भाई के प्यार में गिर गई, बधाई हो भाई सारे भाई। अरे गिर गई तो उठ जाएगी। चले तेरे जैसी एक्टर मैंने बतेरी देख रखी है, मना मतलब अभी बॉलीवुड की मल्लिका। चलियो ताले के दूंगा कान पे। चेक कर एक बार इसकी सांस वांस चेक करिए। बारिश की तो सांस ही नहीं है। रिलैक्स बॉयज, कैसा सांस ना है, ताले मजाक मस्ती चल रही है, हैं सांस नहीं है, ढंग से चेक कर। फट गई। आंखें क्यों है चुराता, बता ये कैसी उलझन, ऐसा क्या कर बैठा तू, तेज है दिल की धड़कन, ऐसी क्या थी मजबूरी, ऐसा कोई करता है क्या, बेटा तू बुरा है फसा, बता दे तू है कहां, किस्मत न पाएगी बचा, तुमने छोरी मार दी। मैंने मारी आई
भाई ये क्या कर दिया तुमने अंदर? अच्छा मैंने करा है भाई, तुमने तो धक्का दिया था उसे, उसके पता नहीं कहां अंदर लग गई। रेडी चल। ठीक है मैंने मारी है, ठीक है मैंने मारी है। जब पुलिस मेरे तक पूछेगी ना कि क्या हुआ था, एक दो तीन तीनों का नाम। बॉडी को ठिकाने लगा देते। ये सही में मर गई, ना इसकी सांसें चल रही ना इसकी नब्ज चल रही। भाई ये मर गई और उसको मारा सिर्फ तुमने, सिर्फ तुमने तुमने मारा। बता दे तू है कहाँ, किस्मत न पाएगी बच्चा, ऊपर वाले ने सब देखा कि एक ही मिलेगी सजा। बता दे तू है कहाँ, किस्मत न पाएगी बच्चा। हम पक्का बच गए ना भाई? नहीं भाई, तूने ही तो कही थी कि वहां पे मोल बनने वाला तुम्हारा इलेक्शन जीतते ही। भाई मोल बच जाएगा तो ऑफिस भी बच जाएंगे ना। भाई तुम इलेक्शन जीत जाओगे ना, पता लगे वहां मॉल की जगह बेसमेंट खुद जाए। भाई मॉल बन रहा तो मतलब बेसमेंट भी बनेगा। बेसमेंट बनेगा मतलब मिट्टी भर आएगी, मिट्टी के अंदर तो लाश पड़ी है, मतलब हम तो गए बर्बाद हो गए। अरे साढ़े हम वो बनाएंगे, स्टिल्ट पार्किंग वाला मॉल बनाएंगे भाई। बेसमेंट बना ही ना रहे हम, किसने कही बेसमेंट बना रहे हम? ओ भाई मॉल बन जाएगा ना, मॉल नहीं बना तो मेरी मम्मी की जॉब चली जाएगी। तुझे साढ़े हर टाइम मजाक सूझता है क्या है? हम एक लाश गाड़ खाए, आई समझ में? लाश एक औरत मार दी हमने, और शुक्र मानो भगवान का कि किसी को पता ना लगे। किसी को पता लग गई। ओए खोल का ये मतलब खोलना ना आता क्या किसी और के घर का? भाई मैं ना जा रहा। ओ भाई मुझे ना आता रहा महंगा गेट खोलना, तू ही जा। लक्ष्य जाएगा लेट गया। ओए भाई मेरी हाथ में तो फेविकोल लग रही है, खुल नहीं रहे। सारे क्राइम इकट्ठा करा है ना तो सारे इकट्ठे ही जाएंगे। चलो चलो वो लड़की ना आ जाए कहीं, हो सकता है सब। खुद को भगवान तो माने, दुनिया का बोझ फिर ये बता दे क्यों ना सह पाया, पछताने का फायदा क्या, सच को अपने अपना ले, जो बीज बोया वो फल पाया। हवा में था रहता तू पर सोच है जमी के नीचे, अब तू कहीं का मैं बच्चा। बता दे तू है कहाँ, पाएगी बच्चा, ऊपर वाले ने सब देखा कि एक ही मिलेगी सजा। बता दे तू है कहाँ, किस्मत ना पाएगी बच्चा, अच्छी थी वीडियो।
क्योंकि स्टोरी अभी स्टार्ट हुई है, फर्स्ट में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या बनाया है, कोई स्टोरी नहीं थी, लेकिन वो धीरे 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 स्टोरी बिल्डअप हुई है और एपिसोड 2 भी मैं ज़रूर देखूंगी। अगर इसमें आप लोग को अच्छा लगा अगर मेरा रिएक्शन वीडियो, तो मैं सेकेंड एपिसोड पर भी ज़रूर बनाऊँगी। एंड मेरे को मज़ा आया, ऐसा कहीं ऐसा नहीं था कि मैं बोर हो रही थी, बोरिंग बिल्कुल नहीं था, मज़ेदार था, पूरा कॉमेडी है। बट इसको प्लीज़ ऐसे मत लेना कि आप सोच रहे हो कि यार ये लड़कियों को ऐसे दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, उस चीज़ें मत लेना, बस एज अ स्टोरी लो, फन के लिए बनाया है, उसको फन की तरह ही लो तो ज़्यादा बेटर है। इतना कोई भी लड़कियों को इतना वो होने की ज़रूरत नहीं कि यार ये क्या बना दिया ऐसा टाइप, तो वो वाला कुछ नहीं है। मेरे को मज़ा आया और आई रियली होप आप लोग को भी मेरा रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ कीर्ति चंद। और कल मेरा पॉडकास्ट आने वाला है तो वो भी ज़रूर देखना गाइज। ओके, और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।